अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अभी चैनल में दिख रहे लाल सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें और साथ ही हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए घंटी वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा का टिकट कट गया, इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। उनके बदले कांग्रेस जिलाध्यक्ष जीवाराम आर्य को टिकट दिया गया है। लगातार जो संयम लोढ़ा के समर्थक हैं वो नारेबाजी भी करी, उन्होंने प्रदर्शन भी किया, अपना गुस्सा भी दिखाया काफी। वहीं जिन्हें टिकट मिला है जीवाराम आर्य, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, आइए आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं जो आज हूं वो संयम लोढ़ा जी की वजह से हूं, मैंने कभी टिकट मांगा नहीं था। आइए आपको पहले ऑडियो सुनवाते हैं। पिछले आचार संहिता लगी जब से लेकर के अब तक संयम जी के लिए गांव गांव काम कर रहा हूं। कई मैंने ये कहा हो कि पार्टी मुझे टिकट देगी या मैं टिकट मांग रहा हूं, तो आप जाकर के गांवों में, आपको सबको पता है, तो खुली घोषणा की कि भाई संयम लोढ़ा ही कांग्रेस के उम्मीदवार है। सब मीटिंगों में तो भी हम जब साथ में थे उसमें बधाई भी सही दिन थी, तो मैंने सरप्राइज किया, मैंने उनको कहा मुझे क्यों बधाई दे रहा हूँ, तो कि तेरा टिकट फाइनल हुआ है। तो मैंने कहा साहब मेरा टिकट कैसे फाइनल हुआ, पैनल तक मैं नाम नहीं भेजा, नाम भी सिरोही विधानसभा से जिला कांग्रेस कमेटी के लेटर पेड पर सिंगल नाम भेजा संयम लोढ़ा का, जी अनिल जी, ये ऑडियो आपने सुना जीवाराम आर्य का। हाँ, बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस आदमी टिकट नहीं मांगा, ये कह रहा है कि हमने सिंगल नाम भेजा पैनल में अपने लेटर पैड पर संयम लोढ़ा का, तो संयम लोढ़ा को टिकट नहीं मिला और उस आदमी को टिकट मिल गया जो टिकट मांग ही नहीं रहा था। अभी इसके आगे भी कुछ घटना हुई है कि जब उन्होंने कहा कि अब मैं, मुझे टिकट मिल ही गया है जी, तो हमने ऑडियो भी शायद नहीं दिखाया जी, कि जिसको अब मेरे को टिकट मिल गया तो मेरा साथ दो साहब समर्थकों ने मना कर दिया कि नहीं साथ नहीं देंगे, सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, कि मैंने मांगा नहीं हो सकता, मांगा भी ऊपर कार्यकर्ताओं के रोष के आगे अपनी सफाई दे रहे हूँ, ये भी संभव है, पर फिर भी एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति उनकी कि मैंने टिकट नहीं मांगा, सिंगल नाम भेजा संयम लोढ़ा का, तो क्या ऊपर वालों ने किन्हीं ऐसी वजहों से जो जमीनी नहीं थी जी, क्या संयम लोढ़ा पर ये आसमानी आफत आई है, ये देखना पड़ेगा। और मैंने पहले भी आज ये इसमें चर्चा में कहा था कि वो कांग्रेस की गुटबाजी और अंतरकले के शिकार हुए हैं जी, वरना दो बार हार का तो उदाहरण मैंने बताया कि जोहरीलाल मीणा है, दो बार हारे हैं, उनको टिकट दिया 20-25 हज़ार से हारे तो भी टिकट दिया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बी डी कल्ला को और इनको दोनों को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का शिकार होना पड़ा, ऐसा मुझे मानना है। और बी डी कल्ला को तो हो सकता है कि एक बार कुमारी शैलजा बीकानेर आई थी और तब उनके साथ बी डी कल्ला के समर्थकों ने, कथित रूप से समर्थकों ने, मुझे नहीं पता, कांग्रेसियों ने कुछ अभद्रता कर दी थी सर्किट हाउस में, उसको लेकर बी डी कल्ला निलंबित किए गए थे कांग्रेस से, बाद में फिर वापस रिवाइव हुए वो, हो सकता है क्योंकि वही शैलजा आज स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, तो क्या पता वो घटनाक्रम आज उनको दुख दे रहा हो, ये भी संभव है, मैं नहीं जानते। कई साल पुरानी घटना हो गई, बी डी कल्ला की पार्टी में वापसी भी हो गई, पी डी कल्ला ने सॉरी भी फील कर लिया और सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद कहीं कोई फांस रह जाती है तो वो बहुत आगे जाके दुख देती है। मुझे लगता है कि ये भी एक फांस हो सकती है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, पर बी डी कल्ला के भी टिकट कटने पर बहुत रुष्ट हैं कार्यकर्ता, और संयम लोढ़ा के टिकट कटने पर तो अभी देखा ही हमने कि वो जिनको टिकट मिला वही सफाई देते हुए कह रहे हैं कि मैंने टिकट मांगा ही नहीं था, मैं तो इन्हीं का हूँ, इन्होंने मुझे बनाया सारी ज़िंदगी और इसके बाद में मिल